नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और दिल से स्वागत है आपका बी अवेयर वाईटी में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिन्हें भारत रत्न मिलता है तो उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में वैज्ञानिकों को ह्यूमन और एनिमल के हाइब्रिड क्रिएट करने के लिए अलाउ किया गया है, और इंडोनेशिया के ये लोग इन्हें साल में एक बार कब्र से क्यों निकालते हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज आपको इस वीडियो में बहुत से वियर्ड और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलने वाले हैं। फैक्ट नंबर 11, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने यह क्लेम किया है कि साल 2030 तक धरती पर मिनी आइस एज आ सकता है। यूके यानी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने प्रिडिक्ट किया कि धरती का जो टेम्परेचर है वो साल 2021 से तो साल 2030 तक ड्रॉप होता जाएगा और साल 2030 में एक मिनी आइस एज आएगा। अब देखते हैं कि साल 2030 में क्या होता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों ये है दुनिया की सबसे महंगी साइकिल, जिसका नाम बेवरली हिल्स एडिशन है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इसमें, तो दोस्तों इसे 24 कैरेट प्योर गोल्ड से बनाया गया है, जिसकी वैल्यू $1 मिलियन है, यानी करीब 7 करोड़ रुपए। क्या आप लेना चाहोगे ऐसी साइकिल? फैक्ट नंबर 9, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब हमारे सपनों में हम किसी अनफैमिलियर या कोई अननोन व्यक्ति को देखते हैं जिसे हमने भी आज तक नहीं देखा होता, तो वो अननोन व्यक्ति एक्चुअली में एक घोस्ट होता है। जी हाँ, वो एक घोस्ट होता है जो सोते वक्त हमें देख रहा होता है। क्या आपके भी सपने में कभी अननोन चेहरे आए हैं? कॉमेंट में ज़रूर बताना यार, मेरे तो बहुत आए हैं। फैक्ट नंबर 8, नेपाल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम कुकुर तिहार है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हमारे साथ कुत्तों की जो दोस्ती है उन्हें थैंक यू कहने के लिए कुकुर तिहार नाम का ये त्यौहार नेपाल में मनाया जाता है। सही है यार, हमारे इंडिया में भी ये त्यौहार हमें मनाना चाहिए और हर एक डॉग को थैंक यू बोलना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, हमारे गर्दन के पास ये जो बोन होती है इसका नाम क्लेविकल बोन है, जिसे शरीर की ब्यूटी बोन भी कहा गया है। फैक्ट नंबर 6, एक बिच्छू 6 दिनों तक अपनी सांस रोक सकता है। जी हाँ, 6 सेकंड या 6 मिनट नहीं, बल्कि 6 दिनों तक अपनी सांस को रोक सकता है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता है और 1 साल तक बिना खाए रह सकता है। ये जानवर की क्या है यार। फैक्ट नंबर 5, गोल्डन फिजंट नाम का ये पक्षी दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी है और इसे चाइनीज फिजंट और रेनबो फिजंट के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4, इनविजिबल जेलीफिश जो है ये हमारे प्लैनेट अर्थ का सबसे डेंजरस जानवर है, क्योंकि इसका जो जहर है वो कोबरा के जहर से भी 100 गुना ज़्यादा डेंजरस है, और ये इनविजिबल जेलीफिश ऑलमोस्ट पानी जैसी ही दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये पानी में हमें दिखाई भी नहीं देती। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अभी जानते हैं कि जिन्हें भारत रत्न मिलता है तो उन्हें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। सबसे पहले तो उन्हें लाइफ टाइम तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता। उन्हें VVIP यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का दर्जा दिया जाता है, और उन्हें ज़िंदगी भर एयर इंडिया की फ़्लाइट की फ़र्स्ट क्लास टिकट भी बिल्कुल फ्री होती है, और रेलवे की भी फर्स्ट क्लास टिकट बिल्कुल फ्री होती है। और अगर ये इंडिया से बाहर ट्रैवल करते हैं तो उन्हें वहाँ इंडियन एम्बेसी द्वारा सभी पॉसिबल फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। तो जिनके पास भी भारत रत्न होता है उन सभी को ये सुविधाएं मिलती है। अब नेक्स्ट भारत रत्न किसे मिलना चाहिए? रतन टाटा को, सोनू सूद को, अजीत डोवाल को या इन सब को? कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 2, इंडोनेशिया के तोराजन लोगों की एक अजीब परंपरा है कि वह साल में एक बार अपने डेड रिलेटिव्स की बॉडी कब्र से निकालते हैं, फिर उन्हें घर लाते हैं, जिसके बाद ये लोग उस डेड रिलेटिव्स की बॉडी को साफ करते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं और महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देते हैं। इन डेड बॉडीज़ को वह कुछ दिनों तक अपने घरों में भी रखते हैं और ऐसा समझते हैं कि उनके ये डेड रिलेटिव्स अभी भी जिंदा है, और फिर बाद में कुछ दिनों बाद उन्हें वापस कब्र में दफन कर देते हैं और फिर अगले साल भी ऐसा ही करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होंगी कि जापान्स एजुकेशन और साइंस मिनिस्ट्री ने जापानीज वैज्ञानिकों को अलाउ किया कि वो ह्यूमन और एनिमल का हाइब्रिड तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले चूहों पर इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर कुछ दूसरे एनिमल्स पर। इस एक्सपेरिमेंट का मेन गोल यह है कि वह जानवरों में ह्यूमन सेल्स से बने ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो कि बाद में हम ह्यूमंस के ही ट्रांसप्लांट के लिए काम आएगा।
दोस्तों क्या ये एक्सपेरिमेंट सही है या गलत, आपके थॉट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वियर्ड फैक्ट्स और मिस्ट्रीज देखना पसंद है तो बी अवेयर वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, प्लीज़ मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।